खबर के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लोकसभा चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले 2-3 दिन में लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हरियाणा में गठबंधन टूटने बनने का सिलसिला जारी है। जींद चुनाव में नया एक गठबंधन बना था आम आदमी पार्टी वे जेजेपी के बीच, वो गठबंधन टूट गया है। कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने जो ट्वीट किया वह मैं आपको बता रहा हूं। इस ट्वीट में उन्होंने जो भाषा लिखी है उस वो कहते हैं, हरियाणा में आप 10 लोकसभा व 90 विधानसभा पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत समाप्त। जेजेपी हमें 10 में से केवल 2 सीटें दे रही थी, वह बदले में दिल्ली की एक सीट मांग रही थी। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, इससे केवल बीजेपी का फायदा है। काफी समझाया पर जेजेपी नहीं मान रही। तो दोस्तों, कुछ दिन का गठबंधन टूट चुका है और नवीन जय हिंद की जो भाषा है वह भी जिस ढंग से वो कह रहे हैं भी जेजेपी कौन सी दुनिया में रहती है, ऐसा लगता है कि वो जेजेपी की बातचीत से बहुत नाराज हैं। तो दोस्तों, जींद उपचुनाव के बाद जहां इनेलो व बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटा, वहीं जेजेपी व आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी टूट चुका है। हालांकि नया गठबंधन राजकुमार सैनी व बहुजन समाज पार्टी के बीच बना, लेकिन वह भी हरियाणा में अधिक प्रभावी नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले समय में कुछ और भी गठबंधन हो सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन होगा, अगर हुआ तो, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पिछले 40 वर्षों से आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इस बार अकाली दल का प्रयास है कि वह हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे। हो सकता है यह गठबंधन हो, लेकिन जिस ढंग से आम आदमी पार्टी व जेजेपी के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर गठबंधन टूटा है, हो सकता है अकाली दल अधिक सीटें मांगे और वो गठबंधन ना हो। आज आपके लिए इतना ही। आने वाले सप्ताह में हम कुछ नए गठबंधन की बातचीत लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।